रिफाइनरी एक नंबर गेट के पास रिफाइनरी कैंटीन ड्राइवर पर जानलेवा हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार। आगासोत थाना क्षेत्र अंतर्गत रिफाइनरी एक नंबर गेट के पास आरोपियों ने रिफाइनरी कैंटीन के ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कैंटीन ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार फरियादी बीरेन दागी रिफाइनरी कैंटीन ड्राइवर जो रिफाइनरी से अपने घर जा रहा था, तभी एक नंबर गेट के पास आरोपियों ने रास्ता रोककर गाली गलौज कर मारपीट कर दी और जान से मारने की नियत से पेट में चाकू मारा, लेकिन फरियादी की सतर्कता से उसके पेट को छूता हुआ उसकी जांग में लगा, तभी एक नंबर गेट के सामने लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को देखते ही सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर सभी आरोपियों पर धारा 307 व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले में पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में एवं एडिशनल एसपी ज्योति ठाकुर व एसडीओपी प्रशांत सुमन के मार्गदर्शन में आगासोत थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर के नेतृत्व में टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई, जिसमें पुलिस ने आरोपी सेलू उर्फ सेलन पिता विष्णु प्रसाद निवासी सुभाषवाड़, डब्बू पिता मनोज सेन निवासी बिलगैया वाड़, करण पिता भूपत सोनकर निवासी शिवाजी वाड़, वीर सिंह पिता मूलचंद अहिरवार निवासी ग्रामपार एवं अल्लू तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक भुजबल, प्रधान आरक्षक टीकाराम, आरक्षक रणबीर, आरक्षक युधिष्ठिर, आरक्षक संतोष भटनागर, आरक्षक विवेक, आरक्षक राहुल एवं आरक्षक रानू दांगी की अहम भूमिका रही।